अब मुझे वास्तव में पॉपकॉर्न चाहिए। आसान है, मैं ये बना सकती हूँ। मैं तुम्हें खाना बनाना दिखाऊंगा दादी। मेरे अपने सीक्रेट्स हैं। ग्रेन्स को फॉइल में डालना आवश्यक है। बॉस को फर्क नहीं पड़ता। अब तेल डालते हैं, बेलिसिमो और डाई, ताकि हमारा पॉपकॉर्न अविश्वसनीय रूप से सुंदर हो। यह गर्मी सेट करने का समय है। मेरा पॉपकॉर्न सबसे रंगीन और स्वादिष्ट होगा। ओह, ये कैसे फटता है, हमें यही चाहिए। चलो देखते हैं क्या हुआ। बिल्कुल सही, यह कितना सुंदर रंग है। मैं सबसे अच्छा शेफ हूँ दादी, इसे स्वीकार करो। शेफ नहीं बल्कि बेवकूफ। एक अच्छे डिश की कुंजी परंपरा है और मैं परंपराओं की एक्सपर्ट हूँ। मैंने ग्रेन्स को फ्राइंग पैन में डाल दिया। अब मैं तेल डालूंगी। मैं मिठास के लिए कुछ चीनी मिलाऊंगी और अब हम इंतजार करते हैं। यह काम किया, बिल्कुल सही। यह कितनी खूबसूरती से फटता है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। क्या यह सच्ची में काम किया, अविश्वसनीय। ठीक है दादी, मैं तुम्हें साबित करूंगा कि मैं बेहतर हूँ। मार्शमेलो इसमें मेरी मदद करेंगे। मैं उन्हें बटर के साथ सॉस पैन में डालूंगा और इसे गर्म करूंगा। उन्हें पिघलने दो और चिपचिपा होने जाने दो। मैं उनमें पॉपकॉर्न मिलाऊंगा और सब कुछ अच्छी तरह मिलाऊंगा। अब मेरा परफेक्ट डिश और भी परफेक्ट हो गया है। बस देखो कितना स्ट्रेच हो रहा है, यह आश्चर्यजनक है। इसका आनंद न लेना असंभव है। बेलिसिमो, तो मुझे इंद्रधनुष पॉपकॉर्न बॉल्स मिले हैं। क्या सुंदरता है। और यह क्या है, यह घिनौना है। क्या तुम अपनी डिश की बात कर रहे हो, मैं सहमत हूँ। मेरे पास परफेक्ट डिश है। वे क्या कर रहे हैं, हम सब कुछ आसान बना सकते हैं। हम स्टोव पर पॉपकॉर्न का एक बैग रखते हैं, इसे कसकर दबाएं और रुको। मैं कितनी अच्छी हूँ, एक मिनट रुको, वह क्या कर रही है। देखो यहाँ देखो, मुझे लगता है कि यह जलने का बदबू आ रहा है। ओह, यह जल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। यह पॉपकॉर्न बहुत बड़ा हो रहा है। ओह, यह सही नहीं है। इतना पॉपकॉर्न क्यों, क्या मैं जिंदा हूँ, क्या मैं सच्ची में जिंदा हूँ। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं इसे अब साफ कर दूंगी। और यह, तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। जैस, यह लो, मैंने कोशिश की। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए। वाह, इतना पॉपकॉर्न, यम्मी। और यह क्या है, क्या यह सब इतना है, इतना कम। ठीक है, मैं खाती हूँ। कितना खराब, ये भयानक है। और हमारे पास यहाँ क्या है, वाह बॉल्स, उन्हें फेंका जा सकता है, उन्हें खींचा जा सकता है। वाह, बहुत अच्छा। ये स्वाद, रंग और आकार में एकदम सही है। बेशक वे जीते, कौन शक करेगा। धन्यवाद। क्या तुम समझती हो दादी। तो अगली डिश, डोनट। मुझे डोनट चाहिए। क्या यह सामान्य रूप से कैसा होता है। यह आसान है, मैं जीतने के लिए तैयार हूँ। मैं डोनट के लिए डो बनाऊंगी। मैं सब कुछ मिला लेती हूँ। हमें डो के साथ खेलना होगा ताकि यह नरम हो जाए, और फिर हम इसे रोल करेंगे। एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल, डोनट के लिए एकदम सही। इन परफेक्ट सर्कल्स को देखो। अब हमें एक्स्ट्रा डोनट निकालना पड़ेगा। कच्चे डोनट्स को उबलते तेल में रखा जाता है और हमें सुगंधित, रसदार और गर्म डोनट मिलते हैं। बिल्कुल सही, यह बदतर हो सकता था दादी। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह कैसे करना है। हमें डोनट के लिए एक फॉर्म चाहिए। हमने ये सब ओवन में डाल दिया और हम धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं। दादी पहले ही सब कुछ कर चुकी है, शेफ भी लगभग खत्म कर चुका है। ठीक, मुख्य बात सरलता है। चलो ब्रेड लेते हैं। चलो इसमें एक छेद बनाते हैं। मुझे सभी टुकड़ों को बीच से बाहर निकालना होगा। यह एकदम सही है, मुझे सच्ची में पसंद है। सबसे महत्वपूर्ण बात ग्लेज लगाना है, और इसके बिना इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। क्या सुंदरता है, जैसे इसे जरूर पसंद करेगी। खैर, बिना स्प्रिंकल्स के कैसे, सब कुछ उज्जवल और सुंदर होना चाहिए। मुझे वह दे दो। क्या, मैं डोनट को स्प्रिंकल्स में डुबो दूंगी। बस बढ़िया, सिर्फ प्लेट पर रखना बाकी है। बिल्कुल सही, और शेफ बकवास है। इससे दूर रहो दादी, अपने डोनट को देखो। मेरा बिल्कुल सही है, मैं उन्हें और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए आइसिंग से ढक देता हूँ। मुझे वास्तव में पसंद है कि वे बहुत रंगीन है। जैस भी इसे पसंद करेगी, मुझे यकीन है। और अब जादू, जैस इसे जरूर पसंद करेगी, मुझे कोई शक नहीं है। अपना खुद का दिखाओ। बिल्कुल सही। वाह, यह क्या है, जानवर, कितना कूल है। एक बिल्ली और एक चिकन, कितना नरम और स्वादिष्ट।
बहुत अच्छा है, मेरे जीवन में सबसे अच्छा डोनट। और अब अगला क्या है? और यह क्या है इतना बड़ा? हमें खाना चाहिए, मुझे जानना है कि इसका स्वाद कैसा है। ओ, ये सिर्फ ब्रेड है, बस सिरप और स्प्रिंकल्स के साथ ब्रेड। ये बहुत बेस्वाद है, ये किस तरह का डोनट है? अब आखिरी डोनट, क्या वे पहले वाले से बेहतर स्वाद के होंगे? अच्छी खुशबू आ रही है। इसका स्वाद कैसा है? बहुत डेंस है, कितना खराब। ये बेहतर लग रहा था, मैं इसे और नहीं खाऊंगी। और यहाँ हम इसे खत्म करते हैं, स्वादिष्ट। और बेशक ये डोनट जीते। फिर से शेफ? क्यों? क्योंकि वो सबसे अच्छा है दादी। शांत हो जाओ, तुम्हें क्या हो गया, इसे रोको। और इस बार क्या है? एक बहुत ही सरल और आसान डिश, फ्राइड एग। मैं उसे चाहती हूँ। क्या? ये बहुत आसान है। ओह बेटी, ये बहुत आसान है, यहाँ तक कि मैं भी इसे कर सकती हूँ। हमें एक अंडा लेना होगा। यह बात है, इसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ना होगा। ओह, यह काम नहीं किया। एक बार फिर, यह क्या है? अंडा काटती हूँ, बस अंडा देखना है। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही, मेरे लिए सब अच्छा जा रहा है। और यह क्या है? दादी, इतनी जल्दी? मैं सालों से यह बना रही हूँ बेटी। मैं केचप जोड़ूंगी, ये एक बहुत प्यारा बिल्ली होगा जो सभी को पसंद आएगा। जैसे रोमांचित हो जाएगी। और वह क्या था, तुम फिर से? क्या हुआ, मैं अंडे की क्वालिटी की जांच कर रहा हूँ। यह अच्छा है, हम प्रोटीन को जल्दी से अलग करते हैं। और विस्क, हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ। प्रोटीन को विस्क करो, वे हवादार हो जाते हैं। हमने सब कुछ पैन में डाल दिया। वाह, मैं कितना अद्भुत जीनियस हूँ। और ऊपर जर्दी। और हम बिना आग के कैसे कर सकते हैं? यह तुम्हारे जीवन का सबसे स्वादिष्ट मैरिंग होगा। तुमने अभी तक यह नहीं खाया होगा। बेलिसिमो, यह क्या है फिर से? यह ऑमलेट नहीं है, फिर मैं इसे फेंक दूंगी, कितना बुरा है। लेकिन मुझे अब क्या करना चाहिए? मेरे पास अब फ्राइंग पैन नहीं है, और तले हुए अंडे, क्या करना चाहिए? दादी, शेफ, क्या तुम मुझे दोगे? बिल्कुल नहीं, यह मेरा है। खैर, ऐसा कैसे? फिर मुझे फिर से आविष्कार करना होगा। मुझे व्हिप क्रीम चाहिए। हम ब्रेड में एक छेद बनाते हैं और वहाँ अंडा डालते हैं। ये बहुत सुंदर है, हमने इसे माइक्रोवेव में रखा। और यहाँ एक टोस्ट है, इसे खाओ, ये स्वादिष्ट है। शायद मेरा वैसे भी बेहतर है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? वास्तव में अच्छा लग रहा है। और इसका स्वाद कैसा है? हम काटते हैं और खाते हैं। महक एकदम सही है, और इसका स्वाद सच्ची में बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है। और यह क्या है, इसे कैसे खाएं? मैं इस तरह से कोशिश करूंगी। बहुत ही अजीब है, क्या यह कच्चा है? खैर कोई बात नहीं, खा कर देखती हूँ। ये देखने में अजीब लगता है, कच्चा अंडा, गंदा। यस, यह स्वादिष्ट लगता है, मैं इसे आजमाना चाहती हूँ। टोस्ट में अंडा, मेरे मुँह में आओ। वाह, बहुत बढ़िया, मुझे वास्तव में पसंद है। यह डिश जीतता है। क्या? क्या मैं जीत गई? क्या सरप्राइज है, सच्ची में अप्रत्याशित रूप से। पता नहीं बेन ने पहले राउंड के लिए कौन सी डिश पसंद की है। ओह वाह, तरबूज। लेकिन तरबूज पकाना दिलचस्प कैसे हो सकता है? हमें इसे बिल्कुल भी पकाना नहीं है, है ना? तो एमा, तुम्हारे पास क्या आइडियाज हैं? निश्चित रूप से तुम कुछ अलग लेकर आ सकती हो। अरे सावधान रहो। उफ, ऐसा लगता है कि अब एमा के पास तरबूज पकाने के बहुत कम विकल्प हैं। लेकिन तुम अभी कुछ आइडियाज लेकर आ सकती हो, है ना? ठीक है। ओह खूब उपकरण, लेकिन वे तरबूज के साथ कैसे मददगार होंगे? नहीं, यह निश्चित रूप से मदद नहीं करेगा। और वाह भी, उफ, कुछ मदद नहीं कर रहा। नहीं, अब बस केवल यही बचा है। चलो इससे कुछ करती हूँ, मैं इसे समेटती हूँ। हाँ, यह ठीक रहेगा। छी, मैं पूछने से डर रही हूँ, पर तुम्हें किस लिए चाहिए? इस तरबूज से पहले इतनी धूल लग गई है, पर निश्चित रूप से अब खाने के लिए सही नहीं है। नहीं एमा, तुम इसे फेंकने जा रही हो ना? अरे नहीं, वो बेन को ऐसी डिश परोसना चाहती है, कितना भयानक है। हाँ दादी निराश है, यह एमा को दिखाने का समय कि तरबूज को सुंदरता के साथ कैसे सर्व किया जा सकता है। चलो चलते हैं। बढ़िया, ये तरबूज खोलने और देखने का समय है। वाह, तरबूज को पूरी तरह से साफ किया गया है, बढ़िया काम दादी। अब हम इसे खूबसूरती से काटने के लिए एक विशेष चाकू लेते हैं। वाह, इन सही टुकड़ों को एक प्लेट पर रखना बाकी है, यह हुई ना बात। ऐसा लगता है कि एक एक्स्ट्रा टुकड़ा बचा हुआ है, इसे खा क्यों नहीं लेते। अरे हाँ, ये तरबूज बहुत रसदार दिख रहा है। ठीक है, यह हमारे शेफ बेटी की बारी है,
ध्यान से देखो क्योंकि एक असली मास्टर काम कर रहा है। वाह क्या असामान्य आकार है, यह कला का एक वास्तविक काम है। अब बेटी किनारे से थोड़ा और काटती है, अब इस तरह से। अभी भी कुछ गायब है, और अगर आप इस तरह कोशिश करते हैं, हाँ, ओह हाँ, जरा इस चमत्कार को देखो, यह तरबूज नहीं है, यह पूर्णता है। शाबाश बेटी, तीनों डिश तैयार है, जिसका अर्थ है कि यह चुनाव करने का समय है। खैर बेन, यह तुम्हें तय करना है कि चुनौती कौन जीतता है। वाह सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, शुरुआत करते हैं इस डिश से। क्या रसदार टुकड़ा है, छिलके के बिना तरबूज सुपर, निश्चित रूप से यह पसंद आने वाली चीज है। तो यह क्या है, क्या यह कोई मजाक है, तरबूज के छिलके पर गंदगी लगी हुई है, छी कितना घिनौना। वाह लेकिन यह बहुत दिलचस्प है, चलो इसे ट्राई करें। क्या बेन को बेटी की डिश पसंद आएगी? ऐसा लगता है कि एक टुकड़ा उसके लिए काफी नहीं था, यह पहले से ही एक अच्छा संकेत है। ऐसा लगता है कि प्रतियोगिता दादी की डिश और बेटी की डिश के बीच है। हाँ हमारा शेफ जीत रहा है, बेटी को बधाई, एक योग्य और सबसे महत्वपूर्ण मेहनती जीत। इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है मास्टर। एक नई चुनौती, और यह क्या एक सरप्राइज है। वाह और इसे कैसे पकाया जा सकता है, यह कोशिश के लायक है। इससे आसान क्या हो सकता है, तो मुझे इसकी आवश्यकता है, यह भी और यह। हाँ बढ़िया, और मैं इसे कैसे पकाऊं? बेशक इस तरह या शायद इस तरह से कोशिश कर सकते हैं। अरे नहीं, ओह ऐसा लग रहा है कि दादी का अंडा शेल से बाहर आ गया है, और अब क्या करना चाहिए। बिल्कुल, और ये एक आइडिया है, हम बचे हुए अंडे निकालते हैं, शेल छोड़ देते हैं, ये अभी भी हमारे लिए उपयोगी होगा। अब थोड़ा जिलेटिन और पानी डालें, हम वहाँ कीवी का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे मिलाते हैं, फिर हमें यही काम करना होगा लेकिन अलग अलग रंगों के साथ। वाह बहुत सारे अलग और सुंदर रंग है। अब हम तैयार लिक्विड को सिरिंज में डालते हैं, इस तरह से, बढ़िया, और अब वो शेल काम आएगा। हम इसमें विभिन्न रंगों के लिक्विड्स डालते हैं, सुपर, लेकिन बेटी इससे प्रभावित नहीं लगती। हाँ अब मैं आपको दिखाऊंगी कि सरप्राइज के साथ एक असली अंडा क्या होता है। सबसे पहले सफेद चॉकलेट को इस तरह पिघलाए, ये एक आदर्श चॉकलेट क्रीम निकला। हम इसे तीन अलग अलग कंटेनरों में डालते हैं। अब हम थोड़ा रंग जोड़ देंगे, पूरी तरह से मिक्स करना है, एक दो तीन। अब हमें अंडे के लिए एक विशेष सांचे की आवश्यकता है, हम वहाँ अपनी चमत्कारी क्रीम डालेंगे, बेलिसिमो, इसे थोड़ा हिलाएंगे, और अब इसे ठंडा करना बाकी है। हाँ बस अब खोलते हैं, अरे हाँ हमें यही चाहिए था। हम व्हिप्ड क्रीम डालते हैं और अपने शेल के अंदर भरते हैं, इसे बंद करते हैं, और यह तैयार, दुनिया का सबसे अच्छा सरप्राइज एक तैयार है। हाँ मेरा भी, इस शेल को छीलने और मेरे परिणाम को देखने का समय है। हाँ मुझे लगता है कि बेन को मेरी डिजर्ट अधिक पसंद आएगी, बस इस सुंदरता को देखो, बहुत प्यारा। एमा तुम क्या कर रही हो, लगता है कुछ भी नहीं। हाँ एमा तुम्हें ये सही में सोचना होगा कि तुम बेन को क्या दिखाने जा रही हो, बहुत कम समय बचा है। वाह ऐसा लगता है कि सरप्राइज है जो अंडे में होगा या गुब्बारे में, क्या कोई समझ पा रहा है कि वह क्या कर रही है। अरे ये क्या है, न्यूटेला, एमा इस गुब्बारे को न्यूटेला से क्यों ढक रही है। इतने सारे सवाल, केवल एक चीज निश्चित रूप से स्पष्ट है, न्यूटेला के साथ एक गुब्बारा भी स्वादिष्ट लग रहा है। फिर भी यह जानना दिलचस्प है कि इसका क्या मतलब है। अब फाइनल टच एक मीठा स्प्रिंकल्स है, लेकिन यह अभी भी खाने लायक नहीं है। समय समाप्त हो गया है, बेन के लिए चुनाव करने का समय है। इंकी बिंकी, मैं इसके साथ शुरू करूंगा। वाह इतने सारे रंग, क्या वह जेली है, मुझे जेली इतनी पसंद नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर यह बुरा नहीं है, तो हमारे पास यहाँ और क्या है। हाँ वाह कितनी व्हिप क्रीम, मुझे यह पसंद है, और चॉकलेट, यह बस मुंह में जाकर घुल जा रहा है। वाह सुपर, हाँ कितनी बड़ी डिजर्ट, वाह वाह। एमा क्या यह वास्तव में एक शरारत थी, खैर कम से कम सरप्राइज असली निकला, हालांकि कुछ मुझे बताता है कि ये जीतने के लिए काफी नहीं होगा। कौन जीतेगा, बेन, बेशक यह बेटी की डिश है। हुर्रे एक आत्मविश्वास से भरी जीत, शाबाश।
तीसरे राउंड में हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है? और यह है डोनट। बढ़िया, मुझे उम्मीद है हमारे प्रतिभागियों को डोनट्स पकाने का पर्याप्त अनुभव है और वे अपने पाक कौशल से हमें प्रभावित कर पाएंगे। खैर, बेटी आत्मविश्वास से डो तैयार करना शुरू कर देती है। बेशक उसके जैसे पेशेवर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब वो इसे मिला रही है। हाँ, क्या मस्त हाथ की सफाई है। डो लगभग तैयार है, बस थोड़ा काम बचा हुआ है। उसने डो के एक बड़े टुकड़े को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। रुको, बेटी ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो बहुत सारे डोनट्स पकाने जा रही है? हाँ, अब वो थोड़े डो में रंग मिला देती है। ओह वाह, ये कितना सुंदर है। हम आटे के एक टुकड़ा को थोड़ा और गूथ रहे हैं। अब हमें यही चाहिए और बेशक इसे बेलना है। हम इसे रोलिंग पिन के साथ अच्छी तरह से रोल करते हैं, इस तरह से। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। हम विभिन्न रंगों में रंगीन आने टुकड़ों को भी रोल करते हैं। टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। अब हम इसे आटा के एक बड़े इंद्रधनुष टुकड़े में बदल देते हैं। बहुत बढ़िया, फिर हम इसे इस तरह से मोड़ते हैं। बेटी क्या सुंदरता है। हाँ, ओ क्या ताजा सेब है, मुझे इसकी जरूरत होगी। दादी सेब क्यों काट रही है? ऐसा लगता है कि यहाँ रसोई में एक चोर है। एमा, बेहतर होगा तुम अपने डिश में व्यस्त रहो। सावधान दादी, एमा अब तुम्हारी सभी सामग्री खाने जा रही है। ओ ओ, ऐसा लगता है कि हमारे चोर का पता लग गया है। तो हम उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? दादी, हमें इसके बारे में सोचना होगा। हाँ, एक अच्छे पुराने शरारत की तुलना में एक शरारती को सबक सिखाने का कोई बेहतर तरीका है। तो पकड़ो एमा, अब एक सेब की मिठास के बजाय एक ताजा प्याज की करवाहट तुम्हारा इंतजार कर रही है। छी, ये घिनौना है। शायद ये शरारत एमा को उसके होश में लाएगी। अरे उठो एमा, तुम्हारे लिए अपना डोनट बनाना शुरू करने का समय है। तुम क्या कर रही हो एमा? हाँ, डोनट को आवश्यक आकार देने का एक दिलचस्प तरीका। मुख्य बात यह काम किया है। व्हिप क्रीम डाला, बुरा नहीं है। एक्स्ट्रा स्वाद के लिए ऊपर से थोड़ी कैंडी। हाँ, दुर्भाग्य से केवल थोड़ी सी। खैर, यह ठीक है और यह काम करेगा। अब एमा सुरक्षित रूप से अपने फोन पर वापस जा सकती है। और दादी की डिश कैसी है? वाह, दादी एक स्टिक पर सेब का एक टुकड़ा रख रही है। सेब को बैटर में डुबोती है, इस तरह से। और अब इसे खौलते तेल में डाल दिया। बस कुछ मिनट और वाह, यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। चॉकलेट सिरप के साथ इसे सुंदर से सजाया गया है। बहुत बढ़िया। वाह, हमारे शेफ के पास लगभग सब कुछ तैयार है। क्या बड़ा और सुंदर डोनट है। बेटी इसे आधे में काटती है। ऐसा लगता है कि वह फिलिंग डालने जा रही है। ओह, इतनी क्रीम। थोड़ा स्प्रिंकल भी सही रहेगा। एकदम सही। अब इसे ऊपर से कवर करते हैं और यह तैयार है। अरे वाह, अरे एमा, एमा वास्तव में अब हम शुरू कर रहे हैं। तीसरे टेस्ट में कौन जीतेगा? ऐसा लगता है कि बेन बेटी के डोनट के साथ शुरुआत करना चाहता है। वाह, वह इतना बड़ा है, उसमें इतनी क्रीम है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा है और उसमें बहुत अधिक क्रीम है। ओह, और यह डोनट बहुत स्वादिष्ट था। ठीक है, एमा का डोनट अगला है। मुझे कहना होगा वह अच्छा लग रहा है। हम इसका स्वाद लेते हैं। यह भी बुरा नहीं है, लेकिन क्या जीतने के लिए काफी है? और अंत में दादी का डोनट। अच्छा बेन, तुम क्या कहते हो? हाँ, वह निश्चित रूप से इसे पसंद आया और हमने विजेता पर फैसला किया है। दादी को बधाई, ये एक अच्छी जीत है। हुर्रे! हाँ, मैं जीत गई। वाह, धन्यवाद मेरे बेटे। और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान, इसमें क्या पकाना है? बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह स्वादिष्ट, मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब यह खत्म हो गया है, तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डालें ताकि वे पिघल जाए। हाँ, इस तरह से अच्छे से। हाँ, मिलाकर। बस यह हो गया। अब आगे। आ,
ये कितना गर्म है, मेरा हाथ जल गया। इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए, इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है, अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल ये मुझसे खुल नहीं रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओह, तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। ओह हाँ बिल्कुल दादी, फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है। जाहिर है यह स्वादिष्ट है लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने यह खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला। सबसे जरूरी बात है इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से, पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है। पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इसे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी। मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं। इस तरह से, अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताड़ाम, अब ये पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत मुश्किल है, मेरे पास भी चॉकलेट कोला है लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह, इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही। मेरा कोला तैयार है, अब ये समय है अपने पोती के पास जाने का। ओह, मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ, मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह, यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह, कितना अच्छा, ये एक असली चॉकलेट कोला है, मेरा फेवरेट कैंडी, M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे ये पसंद है, कितना बढ़िया। अब बाकी दो कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह, अंदर कुछ गाढ़ा है, मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ओ वाह, यह किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है। ब्लूबेरी के साथ शहद। दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है। चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में केक। कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था, आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है। बर्गर? ये एकदम आसान होगा, मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर? पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक मैं इसे अपने हाथों से करूंगी, अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। आह, दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा। खैर, इसे तलने का समय है, मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है, मैं अपने हाथों से बंस भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा। एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा।
और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बंस को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा, मुझे मैकडोनल्ड से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। यह अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है, और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं, तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी। तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, ये एकदम ओरिजिनल है। बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी। कहाँ से शुरू करूँ? 1, 2, 3, 4, 5, मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर के साथ शुरू करूँगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है? क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है? नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था। यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है। यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है, जैसा कि मुझे पसंद है। यह निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वह एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा। वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है पिछली सदी की बात हो गई है। आज इसके लिए विशेष उपकरण है। आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है? उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा। और अब यह सब मिलाया जाना चाहिए। यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा। मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है। यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी, आप क्यों सो रही है? वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है। एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना? बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से, बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा। सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है। वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए, यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ,
यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपिटीट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। तीसरे पैनकेक को छोड़कर यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा परोस दिया गया हो। कितना घिनौना है। मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी, इससे बदबू आ रही है। और यह बस वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। यह स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो। आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ। मल्टीरू चैलेंज को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आज की कौन सी डिश आप ट्राई करना चाहेंगे। हमारे साथ बने रहें, यहाँ सब हमेशा बहुत मजेदार होता है।